बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। उन्होंने अब तक फिल्मों और टीवी की दुनिया में तो अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा ही है, लेकिन अब वो OTT प्लेटफॉर्म की दुनिया में भी अपने कदम रखने जा रही है। वो जल्द ही संजय कपूर और मानव कौल के साथ द फेम गेम वेब सीरीज में नजर आने वाली है, लेकिन इन दिनों उनकी चर्चा होने की वजह एक्ट्रेस की कोई फिल्म या शो नहीं है, बल्कि माधुरी दीक्षित के हस्बैंड श्रीराम नैने की वजह से एक्ट्रेस सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल हाल ही में श्रीराम नैने का बर्थडे था, जिसे माधुरी दीक्षित ने बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया। बताया जा रहा है कि इस बर्थडे पार्टी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे, लेकिन मजे की बात यह है कि अब उनके इस बर्थडे बैश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माधुरी दीक्षित और उनके हस्बैंड श्रीराम नैने एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नैने को तम्मा तम्मा सॉन्ग पर जबरदस्त ठुमके लगाते हुए देखा जा सकता है। माधुरी दीक्षित के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी साफ दिखाई दे रही थी और उनके हस्बैंड उतने ही मस्ती भरे मूड में नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, इस कपल की बर्थडे पार्टी की तस्वीर शेयर करते ही बॉलीवुड की जानी मानी डायरेक्टर फराह खान ने भी उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दी हैं और उनके इस बॉन्डिंग को कपल गोल बताया था। बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित के हस्बैंड श्रीराम नैने की बर्थडे पार्टी में फराह खान, जेनेलिया डिसूजा, रितेश देशमुख, संजय कपूर और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। वहीं माधुरी दीक्षित के एक फैन पेज पर यह वीडियो शेयर किया गया है। उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड श्रीराम नैने के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो अब तक बहुत सारे लोगों ने देख लिया है और ये वायरल हो रहा है। फेमस डायरेक्टर फराह खान ने इस वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा था, जन्मदिन की बधाई राम, माधुरी दीक्षित को सीरियसली कंपटीशन दे रहे हैं। उन्होंने आगे हैशटैग में कपल गोल भी लिखा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले माधुरी दीक्षित की आने वाली वेब सीरीज द फेम गेम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। माधुरी दीक्षित एक अच्छे खासे लंबे गैप के बाद दोबारा अपने अभिनय को दर्शाने के लिए OTT पर आ रही है। उनकी ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।